जंगलों के बीच में चल लिया दोस्तों, खतरनाक प्रॉब्लम आ गया कि हम 60 किलोमीटर आ गया। चला लो ढंग में गाड़ी। देखो दोस्तों, गाड़ी के पास हो गई होगी अभी। तो दोस्तों कैसे हो सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड आफ्टरनून। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 12। आपका भाई दोस्तों सुबह गए, मतलब 11 बजे उठ गया था मैं, अभी काम करते करते टाइम हो गया है 12। मतलब हम रात को दोस्तों अयोध्या टोल टैक्स पार करके आ गए थे, 3:30 बजे के बाद आया था दोस्तों आपका भाई। और भाई पूरे थक गए थे, आते ही सो गए। और भाई हमारे साथ ना बहुत बड़ा कांड हो गया, मतलब बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। बताता हूँ क्या लफड़ा हो गया। पहले मैं आपको अपनी गाड़ी दिखा देता हूँ। और देखो यार दोस्तों, टायर गाड़ी के ब्रेक भी नहीं लग रहे। और ये देखो यार, यूरिया छू रहा है यार मेरा यूरिया टपक रहा है। देखो कितना जम गया वहाँ, देखो ये देखो यार कितना वो जम गया उस पर। अरे देखो भाई, पहले गाड़ी के अंदर चलते हैं दोस्तों, फिर बताता हूँ हमारे साथ क्या क्या होगा। हमारे साथ बहुत बड़ी मुसीबत होगी। बताता हूँ हमारे साथ दोस्तों प्रॉब्लम आ गया कि हम 60 किलोमीटर आगे आ गए हैं। मतलब पहले तो भाई ने बताया कि भाई हमें अयोध्या टोल पे आना है। अब बोल रहा है भाई बाराबंकी टोल पे आ जाओ, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल लो अगर हम मान लेंगे। पार्टी वाले को बोल रहा है भाई कुछ भी बोल ले फिर मान ले। कह रहा कि पहले तो रात को फ़ोन किया हमने 7 बजे, पहले बोल रहा अयोध्या टोल टैक्स पे आ जाओ, फैजाबाद बता रहा था। फिर मैंने कहा अयोध्या टोल टैक्स ना, हाँ। फिर वो कह रहा हाँ अयोध्या टोल टैक्स, उस पर आ गए। उनने कहा आगे खड़ी करना, 2 किलोमीटर पर सर्विस रोड है, और सर्विस रोड पर ही लगा रखी है। अब बोल रहा पीछे आ जाओ 50 किलोमीटर। बताओ अब बिटरिया बुला रहा, मतलब इतने तंग हो गया ना दोस्तों लोगों से, पूछो ही मत, इतने तंग हो गए। अब क्या करें, अब पीछे जाना पड़ेगा। अभी खैर मालिक ने रुकवा रखी है, मालिक ने बोला कि भाई हम बात करते हैं, देखते हैं क्या बात करते हैं। भाई बहुत मुसीबत होगी भाई आजकल तो, मतलब गर्मी इतनी हो रही है। देख लो दोस्तों, रात को 3 बजे आए थे, उठ तो मैं दोस्तों बहुत जल्दी गया था, 9 बजे उठ गया था मैं। और अब गर्मी इतनी हो रही है, पसीना ही पसीना आ गया। अभी तो कुछ खाया पिया भी नहीं है क्योंकि कुछ दुकान ही नहीं है खाने पीने की। सामने ढाबे हैं पर इन पे तो कुछ खास भी नहीं लग रहा। चलो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, देखते हैं क्या सेटलमेंट रहता है। और आ गया दोस्तों आपके भाई का फैसला, और हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस। अब 60 किलोमीटर जाना है, कम से कम 7,000 रुपये का नुकसान कर दिया। जैसे कि दोस्तों इतने नुकसान हो रहा है तो आपका भाई अब गाड़ी छोड़ देगा, अब हम ट्रक लाइन ही छोड़ देंगे। ये अब हमारा फैसला है, और हमारा फैसला ही हमारा आखिरी डिसीजन है। अरे थम्स अप नहीं पीता मैं। चलो चलते हैं फिर गाड़ी लेके। देख लो भाई, रात को नींद में जा रखी दोस्तों ये गाड़ी। नुकसान हो गया भाई, ये भी तगड़ा ही नुकसान हो रखा भाई। आजकल यार सबके नुकसान हो रहे, सीधा ना रखा गया नुकसान होने का। और दोस्तों आपको भाई आ गया पेट्रोना। और भाई ये देखो कि पीछे देखा कितना बड़ा नुकसान हो रखा था भाई, मतलब 12x14 टायर आता वो चले गया, तो या तो किसी ने साइड दाब दिया तो नींद में चले गया। वो दोस्तों आजकल ना गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, ड्राइवर को बेचारे को दिन में भी नींद नहीं पूरी हो पाती, रात में भी नींद नहीं पूरी हो पाती। तो अब यार कोशिश तो भाई ड्राइवर करता है कि हम अच्छे से गाड़ी चलाएं, बट हो जाती है गलतियाँ हर किसी से होती है। ऐसा कोई नहीं कि गलती हमसे ही होगी, गलती सबसे होती है। अब देखो हमारा भी नुकसान हुआ है, 50 किलोमीटर दोस्तों हम एक्स्ट्रा चले गए थे। और दोस्तों इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। देखो पार्टी वाले थे, कल मैंने 2 बार कॉल पर बात करी और उसने मुझे बड़े बड़े अक्षरों में बोला कि भाई अयोध्या टोल टैक्स पे आपको 2 किलोमीटर पे सर्विस रोड मिलेगी, वहाँ लगा देना। और दोस्तों मैंने वहीं लगा दी। अब बताओ उसमें मेरी क्या गलती है? अब मेरे को बोल रहे हैं कि भाई तेरी तनख्वाह में से कटेंगे पैसे डीजल के और प्लस टोल के। मतलब मैं गरीब आदमी दोस्तों, मैं गरीब आदमी, इतना गरीब आदमी हूँ कि मैं पूछूँ मत, मेरे पे कपड़े भी नहीं है दोस्तों। मैं इतना गरीब आदमी हूँ कि मेरे पास कपड़े भी नहीं है, बनियान है, ये देख रहे हो मैं परमानेंट एक ही कपड़े में घूमता हूँ। और पिछले कर मुझे 1 रुपया भी नहीं बचा यार, पता नहीं मेरे साथ चल क्या रहा है। ये जो साल है ना दोस्तों, मतलब ये जो कौन सा साल है, 2024 साल है ना, 2024, तो ये 2024 मेरे लिए अच्छा नहीं गया। मतलब अब देखते हैं दोस्तों 2025 में क्या होगा आपके भाई के साथ। और अभी गाड़ी लगा दी दोस्तों यहाँ, और अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं कितनी देर में आता है मालिक साहब। और आ गए हैं दोस्तों आपको भाई गाड़ी के नीचे, और देख लो हम बात बताने लग रहे हैं। पीछे पीछे चले इनके, वैसे हम आगे चले गए।
हमारा जितना भी नुकसान हुआ है वो भरेंगे हमारे मालिक साहब। कोई दिक्कत नहीं है, मलिक बोर्ड की जो है कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई साहब, मेरे को मैनेजर साहब ने बोला तेरी तनख्वाह में से पैसे काटे जाके, मैं गरीब आदमी, देखो दोस्तों चप्पल है मेरे पास एक जोड़ी, ये भी मैंने किसी से मांगी थी दोस्तों, भिखारी की तरह, वो ये भिखारी की तरह मैंने चप्पल मांगी थी, और इसको मतलब इतना गरीब आदमी हूँ मैं कि मैं मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। पर दोस्तों जैसे कि आपका भाई इतना गरीब होने के बाद हमने ले लिया है न्यू आईफोन, और मैं दिखाने वाला हूँ आपको न्यू आईफोन अपना। मतलब दोस्तों मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे सब 20-20 रुपये गूगल पे करो और फिर देखते क्या होगा। यार पानी तो पिलवा देते यार हमारे भाई जी को, तुमको बोलना, मैं तुमको ही मतलब भाई जी को पिलवा देते। पी लिया पानी? पी लिया। चलो देखते हैं दोस्तों कितनी देर में आएंगे अपने भाई, अब जो हमारी गाड़ी ले जाएंगे। और चलते फिरते आ गए हैं दोस्तों, जैसे कि आपका भाई गरीब आदमी, अब इसमें कूद देंगे हम सबके सब, छलांग मार के। चलो एक एक बार सब कूद दो इसमें दोस्तों। हम आ गए टिक्की की दुकान पे, यहाँ बन रही है गरम गरम टिक्की गोलगप्पे। दोस्तों हमें रोटी तो खाई नहीं सुबह से, ये हमारी टिक्की है, देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। सब खा रहे हैं, यहाँ देखो टिक्की, ये देखो ये भी खा रहे हैं। मज़ा आ गया। तो यहाँ लगा रखे दोस्तों ट्रक आपके भाई ने दोनों, बाबा कोई पुलिस वाला नहीं आ जाए चालान काट देगा वरना। बट हमारा माल दोस्तों इस गली में जाएगा, देख रहे हो कितनी छोटी सी गली है, बहुत हार्ड है मोड़ना, बाकी मिलता है थोड़ी देर में। निकल गए हैं दोस्तों अनलोडिंग पॉइंट के लिए, देख रहे हो दोस्तों कितनी छोटी सी रोड है ये, शायद आज खाली हो जाए आपके भाई की गाड़ी, बट बहुत छोटी जगह है। नहर भी बगल में जा रही है दोस्तों, जंगलों के बीच में चल रही है दोस्तों, खतरनाक मंजर, ऐसा मंजर आपने कभी नहीं देखा होगा, ऐसे भी ट्रक चलते हैं, देख रहे हो दोस्तों क्या खतरनाक मंजर है, छोटी छोटी जगह में चलती हैं गाड़ियाँ, इसे बोलते हैं असली ट्रक ड्राइवरी। रोड तो है ही नहीं, मतलब रोड के बराबर ही सड़क है, जितनी छोटी गाड़ी है उतनी छोटी रोड है, अगर कोई सामने से ट्रक आ जाए इतना ही बड़ा तो पास नहीं ले पाएगी, ले पाएगी पास? यहाँ पास लिया जा रहा क्या होगा यहाँ पास लेने के बाद? यहाँ पास लेने के बाद पर नहर में जा जी छोड़ दिया, पहले गया वो नहर में गिर गया, वो एक गिर गया नहर में भी, छोड़ दिया एक नहर में गिर गई दोस्तों गाड़ी, देखते हैं आगे कहाँ गिरी पड़ी है वो। भाई इसे बोलते हैं असली ड्राइवर लाइफ, मोस्ट डेंजर रोड, इसका नाम है मोस्ट डेंजर रोड। मेरी तो गांड फट रही है दोस्तों, बहुत ऐसी गाड़ी भी तो ट्रॉली ऐसी हो रही ना, लेफ्ट हो जा रही पूरी, मतलब पूरी बाएं, देख रहे हो साइकिल वाला भी नहीं बच रहा। तो हमारे इंडिया के ड्राइवरों को सलाम है, सबसे बड़ा सलाम है मुझ जैसे ड्राइवर को, मैं जैसे खतरनाक ही ड्राइवर हूँ पर थोड़ा सा गरीब हूँ, गरीब ड्राइवर हूँ। और देख रहे हो दोस्तों अमेरिका में ऐसी गाड़ी नहीं चलती होगी और कनाडा में भी ऐसे नहीं चलती होगी गाड़ी। बगल में है नहर, नहर के बीच में है आपका भाई, और इस साइड भी है नहर, नहर प्लस जंगल, और हम जा रहे हैं बीच में, और खाइए इधर, खाइए इधर, खाइए और उधर खाइए दोस्तों, तो ये देखो नहर, खाई देखो, खाई देखो भाई, खाई देखो। और फाइनली दोस्तों गांव के अंदर आ गए हैं, देखो अपनी गाड़ी ले गए, पर हमें अभी यहां से 4 किलोमीटर जाना है, चार किलोमीटर जाना है, बट हमारे आगे ना मुसीबत आ गई दोस्तों, आगे ना कोई ट्रक पलटा पड़ा है उसे, उसके बाद जा रहे हैं अभी हम मुआयना करने, बड़े उस्ताद जा रहे हैं मुआयना करने, और छोटे उस्ताद जा रहे हैं दोस्तों कुछ और काम करने, और हमने दोस्तों अपने ट्रक लगा दिए हैं गाँव में ही, गाँव वाले काफ़ी अच्छे हैं, अभी तक तो किसी ने कुछ बोला नहीं, बट आगे गालियाँ देंगे तो आगे इनको खड़ा कर देंगे भाई जी को। तो भाई ट्रक से चलते चलते आ गए हैं दोस्तों हरे भरे खेत में, देखो क्या ब्यूटी है, क्या नज़ारा आ रहा है देखो। और दोस्तों जस्ट आधा किलोमीटर पे हमें दीपू का खेत मिलेगा, जो कि होने वाला है दीपू भाई का खेत, दीपू भाई के खेत में फंस गया है ट्रक, तो हम देखने वाले हैं ट्रक कैसे फंसा है वो। मुआयना करते हुए जा रहे हैं दोस्तों हम रोड, भाई दोस्तों रोड का मुआयना करते करते राहुल भैया और मैं आ गए हैं दोस्तों, ये देखो यहाँ गाड़ी फंस गई है और पूरी मुंदी होने वाली है, बस अच्छी पड़ी है अभी थोड़ी सी भगवान की दुआ से, क्रेन JCB ने बचा रखा है गाड़ी को, JCB वहाँ भी उतरी, वो भी पूरा फंस गई थी JCB भी, बता रहे हैं जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कितना फंस गया, पूरी फंस गई भाई, बच गई गाड़ी बस, कटने ही वाली है बस, JCB ने बचा रखा है इसे, तो बहुत तगड़ा सीन हो गया भैया, साइड देने के चक्कर में फंस गई दोस्तों, साइड दे रही थी गाड़ी है,
आ गए अपनी गाड़ी पे वापस। देख लो हमारी गाड़ी एक ये खड़ी है और एक ये खड़ी है यहाँ पे, और यहाँ मीटिंग चल रही है, इनकी मीटिंग देखते हैं। क्या 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 हुआ बताना, दोबारा रिप्ले तो करते हैं, हम भी तो सुनेंगे। ये देख लो दोस्तों कैसे बैठे हुए हैं, और बकरी को लैटरिन आ रही है ये देख लो दोस्तों बकरी लैटरिन करके आ चुकी है। भाई यहाँ क्यों बैठे हो ऐसे भिखारी की डाल, तुम भी बताओ मुझे। गरीब आदमी भाई, टाइम काट रहे तुमको बैठे भाई साहब, यहाँ क्यों खड़े खड़े बस अपने टाइम को भाई। और भाई साहब आप हेलो कैसे लग रहा है, मतलब आपको यहाँ खड़े बता तो भी रान की रहेगा यार, इसे बना दो भाई। देख रहे हो दोस्तों, मतलब पहले वहाँ होटल में अच्छे बड़े खड़े थे, मतलब मैंने इतनी दूर लेके गाड़ी थामी थी, वहाँ कितने किलोमीटर 60 किलोमीटर पे वहाँ आराम से खड़े रहते, शाम को निकलते पर लोगों के खा जाए, और यहाँ आ गए हम। देख और देखियो भाई इधर आइयो, ये दोस्त बन गया था दोस्तों, इधर आते तेरी दोस्तों गाली दे के भाग रहा था मैं, हम तीन लोगों को गाली दी, मतलब ये देखो बोला भोसड़े में घुसा दूंगा तेरा लफड़ा कह रहा लफड़ा भोसड़े में घुसा दूंगा, ऐसा बोल रहा है यार। मतलब दोस्तों इतनी इज्जत कर रहे हैं, मतलब ये कौन सा गांव है भाई, कौन सा गांव है, कदम्बा है, कदम्बा बता नहीं, पोटरोना है, कौन सा स्टेशन है, क्या बता रहा था, पटरोना स्टेशन में दोस्तों हमारी आगे बहुत बड़ी इज्जत हुई है, मतलब बच्चे ने तेरी सीधा कहा या भोसड़े में घुसा दूंगा, मतलब ये देख रहे हो सिस्टम बांध दिया हमारा, सिस्टम ही बांध दिया, मतलब ऐसी जगह मालिक ने माल करा बेइज्जती करवा दिया, तेज सारी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों की इज्जत भी नहीं रखी हमारी, तो कोई इज्जत नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, मिलता है दोस्तों शाम को अपनी गाड़ी में। देखो हमने खाना ही बना लिया अपना, और एसी चला रखा है, देखो एसी चला के खाना खाया जा रहा है। देखो हमारे राइस बन चुके हैं, देखो चावल कितने बढ़िया बनाए हैं भाई, एकदम सुंदरता, चावल की सुंदरता देख रहे हो दोस्तों, सुंदरता इतने सुंदर चावल हैं। ओ प्लेट करो प्रूव, अरे देखो एकदम घरवाली की ढाल घी डाला जा रहा है इतनी प्यारी घरवाली देख रहे हो तो, सेवा करते हैं मतलब आपस में प्यार इतना है। ओ भौसड़ी के मतलब ये दोस्तों एक गाली नहीं है, मतलब प्यार है ये। और देख लो दोस्तों घी डल गया हमारे चावल में, थोड़ा सा कम है पर कोई बात नहीं, दूसरों की चीज पे ज्यादा नजर नहीं मारा करते, थोड़ा ही खा लेना चाहिए, पता लगा लात मार के भगा दिया बाहर। और दोस्तों हम जैसे कि अब इसको खाने वाले हैं, नहीं और देखो अभी इसको ना जैसे घी है बिल्कुल ऑयली है, देखो कितना ऑयली घी है, और मैं बिल्कुल ऑयली खाना पसंद करता हूँ, ज़्यादा भी ऑयली नहीं खाता मतलब, और ये बन गया है मेरी डाइट। मज़ा आ गया भाई, कैसा हो रहा लोंडे, ये तो खाया भी नहीं था, गजब हो रहा, मैंने खाया गजब हो रहा। अभी यहाँ रिएक्शन लेंगे दोस्तों, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं ना दोस्तों, ये जो खाना है मुर्गे से तो बढ़िया खाना है दोस्तों, मुर्गा जो होता है दोस्तों मांस लटका देता है, भागा नहीं जाता, फैट हो जाता है इंसान के, मुर्गे को बहुत पीछे पड़ गए भाई। मुर्गा यार मुझे बेचारा कोमल सा आदमी है मुर्गा, उसकी जान ले लेते हैं बेचारे की। कैसे हो रहे भाई जी, बढ़िया हो, कैसे हो रहे लोंडे, जैसे कि दोस्तों हम चावल खा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, चावल खाने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे, पानी खा लिया दोस्तों, और एसी चल रखा है, मस्त मज़ा आ रहा है लेटने में। और देखो मालिकों की गाड़ी में एक पंखा और दो पंखा, ये देख रहे हैं दोस्तों, मतलब मालिक लोग जो होते हैं दो पंखे में सो रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, और हम देखो गरीब ड्राइवर है दोस्तों, हम पंखे एक ही पंखे में सोते हैं। ठीक है दोस्तों, आज कमेंट पढ़ेंगे, अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में।